बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाहौर की सबसे फेमस और सबसे कड़ाड़ी चिड़ा फिश की रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत स्पाइसी होती है, इसमें सॉफ्ट टच के लिए कोई बेसन वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। ये खाने में इतनी यूनिक होती है कि कोई भी फिश इसके टेस्ट का मुकाबला नहीं करती, बल्कि जो इसको खाते हैं वो किसी दूसरी फिश को पसंद ही नहीं करते। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारे पास चिड़ा फिश, जिसको मैंने जिसके चने वगैरह उतरवा लिए हैं, अंदर से नीट एंड क्लीन करवा लिया है और इसका हेड भी अंदर से मैंने क्लीन करवा लिया है और इसकी आईज जो है उसको भी रिमूव कर लिया है। अक्सर लोग ये चीज़ें साफ नहीं करवाते, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो फिश को जब भी आपने पकाना है होल, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को नीट एंड क्लीन करवाना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से धो के इस्तेमाल करना है। चलें जी, मसालों की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून भर के बिल्कुल फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, और ये है हमारे पास 2 से 3 लेमन का जूस, ये इसके अंदर जाएगा। चलें जी, अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर कर, और ये है हमारे पास नमक सिर्फ 1/2 टीस्पून, क्योंकि फिश जो है ऑलरेडी बहुत ही साल्टी होती है, तो इसके अंदर जो नमक होता है वो आम रूटीन से बहुत कम यूज़ होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून खुशी धनिया पाउडर, और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड करेंगे, और ये है हमारे पास ज़ीरा, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा, बारीक कुटा हुआ पिसा हुआ, और ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला, ये इसमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून ऐड कर ले। ये है अजवाइन 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे एक प्रोफेशनल लुक के लिए, प्रो लुक के लिए, ठीक है। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर ये इमली का पानी भी ऐड कर देते हैं। अब बेस बनाने के लिए कि ये मसाले ऊपर से उतरे ना और उसके साथ चिपके रहें, बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ये लें जी, ये है हमारे पास कॉर्न फ्लोर, ये लें जी, ये ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा इसके अंदर। इससे क्या होगा कि मसाले जो है फिशी उतरेंगे नहीं और फिश के साथ ही चिपके रहेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना इसका ऊपर एक वजूद सा आ जाता है कॉर्न स्टार्च का, एक क्रिस्पी सा, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए इस रेसिपी में। ठीक हो गया। उसके लिए हम बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, वो अलग रेसिपी है। तो ये देखें, शानदार हमारे पास जो है वो फिश मसाला तैयार हो गया है। अब चलते हैं फिश की तरफ। तो यहाँ पर हमने ये फिश, हमारे पास थोड़ी सी मोटी है, ये चिड़ा फिश है, लाहौर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे अगर ये मोटे वाली आपके पास हो तो आपने इसके ऊपर कट्स लगा लेने हैं, जो इसकी थोड़ी सी छोटी फॉर्म होती, मतलब छोटे साइज़ की होती है, उस पर कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको हम कट्स लगाएंगे। ये देख लें, कोशिश किया करें जब भी कटिंग कोई चीज़ इस टाइप की करें तो उसमें एक सीक्वेंस हो, मतलब खूबसूरती के साथ आपने कटिंग करनी, ये नहीं कि कहीं से भी आपने छुट्टी मार दी। अब अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर देंगे, और कम से कम आपने इसको 2 घंटे रखना है। अगर आप इसको 1 दिन रखते हैं फिर तो सुभान अल्लाह, ठीक है। 2 घंटे इसको आपने मैरिनेशन में फ्रिज के अंदर रखना है। उसके बाद इसको पकाना कैसे है, बहुत अहम बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा गर्म आपने ऑयल करना है, ज़्यादा गर्म, ठीक है, फिर ऐड करना, वरना इसका मसाला उतर जाएगा। फिर आपने फ्लेम कम कर देना है। चलें जी, इससे क्या होगा कि ऊपर वाली इसकी कोटिंग है मसाले की, वो साथ चिपकी रहेगी, उतरेगी नहीं। अब चूंकि ये एक होल फिश है, कंप्लीट फिश है, हमने बोटियां नहीं की हुई, तो आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है कम से कम 15 से 18 मिनट, ठीक है। लो फ्लेम के ऊपर ये जलेगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी, लेकिन अंदर तक पकेगी और इसके जो बबल्स हैं वो छोटे होते जाएंगे, मतलब कि इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो ये एक अहम बात थी, इसको आपने खास ध्यान में रखना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से भी एक इनाम होता है। अच्छा, अब जब आपने इसको उतारना है ना, तो ये पक चुकी है तकरीबन 16-17 मिनट, तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, ये टूट जाएगी, इसलिए आपने पूरे चम्मच को इस तरह से अंदर डाल के इसको उठाना है। ठीक हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ ये अंदर से कैसी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब ये है हमारे पास फाइनली लाहौरी चिड़ा फ्राई फिश। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़तें जो दूसरे हमारे हाथों में हमारे कानों में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप दीजिए जान सर की इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।